नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मामला आया है, उसको लेकर तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इस कड़ी में बिहार में सियासत तेज हो गई। एनडीए अलायंस दल के नेता रहे दो पार्टी जो है वो आपस में भिड़ गई है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा रामविलास पासवान है और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो जीताराम मांझी की पार्टी है, दोनों के सुप्रीमो कैबिनेट मंत्री हैं और ये आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में आरक्षण को लेकर जो है मांझी ने प्रतिक्रिया दी है और चिराग पासवान को भी जवाब दिया है, क्या कुछ कहा है चलिए जानते हैं। जी हां, बात करें तो बिहार पॉलिटिक्स में हम के संस्थापक एवं केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी ने शनिवार को कहा कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, मगर जिसकी जितनी संख्या है उस आधार पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा दो अलग बातें हैं, हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी भी बात हुई है। मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का निर्देश है कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, यह बात सही है। अनुसूचित जाति एससी में जो लोग हैं उसमें ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के इतने साल बाद भी हाशिए पर हैं, उनके लिए तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जनसंख्या के आधार पर बात होनी चाहिए। चार विकसित जातियों को कहते हैं D4 मांझी। मांझी ने कहा कि एससी में बिहार में 21 जातियां हैं, इनमें से चार विकसित जातियां हैं जिसे D4 कहते हैं। आज के समय में जज, कलेक्टर, चीफ इंजीनियर, डॉक्टर, बैंकिंग या रेलवे में इन्हीं चार जातियों की 90% भागीदारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके अलावा जो भुइयां, नट, मेहतर जैसी बाकी जातियां हैं उनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। हमने कैबिनेट में कहा है कि इनके लिए अलग से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वहीं चिराग पासवान के सवाल पर मांझी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हर 10 साल पर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, इस हिसाब से अभी तक 5 से 6 बार समीक्षा हो जानी चाहिए थी, इस पर वह क्यों नहीं बोले हैं। बता दें कि चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास कोटे से इसको लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। तो ये हैं एनडीए के नेता जो आपस में आरक्षण को लेकर भिड़ते नजर आ रहे हैं। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे, कहीं बताइए। धन्यवाद।